हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीएस डायग्राम। आप लोग जब भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स वन पढ़ते हैं तो थर्मो वन में आपके पास अक्सर एक टीएस डायग्राम स्टार्टिंग में आती है, जिसके अंदर एक डोम होता है। ठीक है, वो इस तरीके का कुछ शेप होती है डोम की। अब डोम जो है, काफ़ी लड़कों को नहीं पता होता कि ये डोम बेसिकली बना कैसे है, और उनको बस ये आइडिया होता है कि ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर सेचूरेटेड मिक्सचर है, और यहाँ पर जो है सुपर हीटेड है, और जो ये डोम की लाइन है ये सारा सेचूरेटेड है। यहाँ पे आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, ये आ जाता है सेचूरेटेड वेपर की लाइन, और ये आ जाती है सेचूरेटेड लिक्विड की लाइन। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डोम बेसिकली बनता कैसे है, तो उसमें आप लोगों का फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। अब ये यहाँ तो टीएस डायग्राम है या टीवी यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम के डायग्राम है, तो दोनों में सेम केस है, क्योंकि आप टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो एंट्रोपी है और जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो दोनों ने इंक्रीज होना है। अब सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर की, एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन पे, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसको हम हीट करना शुरू करते हैं। जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वो वेपर की फॉर्म में आएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद जब सारा पानी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी एनर्जी वेपर कन्वर्ट करने में लग गई है और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। इसी तरीके से ये एक प्रेशर पे, कोई एक प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 100 kPa। इसी तरीके से अब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये मैं इसी तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें फिर आप जो है दूसरा प्रेशर कांस्टेंट। अब मैं तीसरा प्रेशर ले लेता हूँ, उसमें इस तरह ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, फिर ये लाइन और ऊपर जाती जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रेशर की लाइंस हैं ये सारी ऊपर जाती जाएंगी, और एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर जो आपकी मिक्सचर वाली स्टेट थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और दोनों लिक्विड वेपर की जो वो है वो को एग्जिस्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। और जब इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से आपका बनता है डोम, और डोम के दरमियान सैचुरेटेड मिक्सचर है, ये आपका आ जाता है सुपर हीटेड वेपर, ये आ जाता है कंप्रेस लिक्विड, और ये जो लाइन है ये वाली, ये आ जाती है वेपर की, ये आ जाती है लिक्विड की, और ये आ जाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।